नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज झारखंड। बेड़ो प्रखंड के पंचायत सचिवालय में उप विकास आयुक्त रांची के निर्देशानुसार आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत एक दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान 10 बजे से 3 बजे तक करीब 118 लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका था। आगे और भी लोगों की लाइन लगी थी। वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होते ही बेड़ो के उप प्रमुख, बेड़ो के मुखिया ने टीका लेकर इसका शुभारंभ किया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि टीका लगने के बाद करीब आधा घंटा तक हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें पास ही दूरी बनाकर बैठाकर रखते हैं। आधा घंटा में हमें पता चल जाती है कि टीका लिया व्यक्ति ठीक है, हम उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन्हें आज पहली डोज दी जा रही है उन्हें दूसरी डोज के लिए 28 दिन बाद हम बुला रहे हैं। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। मैडम, ये जो आज यहाँ पर कोविड 19 का जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो कितने लोगों को देने का टारगेट था? कम से कम हम लोगों को 150 व्यक्तियों को देना था। अच्छा, क्या सिस्टम क्या है इसको देने का? 60 साल से ऊपर वाले सभी बुजुर्ग को देना था, उसके बाद 45 से 59 जो बीमार है उनको देने का लक्ष्य था। अच्छा, तो अभी तक तो सभी मिक्स है, बल तो बीमार वाले 45 से 59 साल वाले आए और अभी 60 साल से ऊपर वाले तो आ ही रहे। अभी तक कितने लोगों को पड़ चुका? कितना हुआ बंदी? कितना मैडम? 118 लोगों का पड़ चुका। अच्छा, तो जिनको दिया गया आज उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है आप लोगों का? हम लोग को बतलाएं कि आज के 28वां दिन में फिर दूसरी खुराक लगेगी, किसी जगह पर लगेगी, ये हम लोग उन लोगों को बतला दिए हैं। मोबाइल में आपको मैसेज जाएगा, आ जाना है, और नहीं तो हम लोग के पास जो रजिस्टर में इंटर है हम लोग जाके उनको घर से बुला के लाएंगे। सुन के लिए हमारे साथ सहिया लोग है, सेविका दीदी लोग है, स्वयं सेवी लोग है, उन लोग को घर से उठाकर दूसरी डोज के लिए लाएंगे 28वें दिन। जिनको आप लोग इंजेक्शन दे रहे हैं जी, तो उनको मैंने इंजेक्शन देने के बाद क्या क्या किया जा रहा है साथ? उनको हम लोग आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बैठ के रख रहे हैं। आधा घंटे के अंदर भी जिनको किसी को भी जो भी होने का होगा प्रतिकूल प्रक्रिया वो आधे घंटे के अंदर ही होती है, इसलिए हम लोग उन लोगों को आधा घंटा हम लोग बैठा के अपना देख रेख में रख रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग छोड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा सरिता मंजू करकट्टा। आपके परिवार या दोस्तों में किसी को धुंधला दिखाई देता है, बल्ब या रोशनी वाली चीजों के आसपास आभासी दिखाई देती है, रात को देखने में परेशानी होती है या चीजें डबल दिखाई देती है, तो ये लक्षण मोतियाबिंद के हो सकते हैं। सिंहपुर नर्सिंग होम सिंहपुर मोरी रांची झारखंड के द्वारा आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिंहपुर नर्सिंग होम अस्पताल परिसर में ही किया जा रहा है, वो भी मात्र 4,000 रुपए में। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की जानकारी दें ताकि जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना हो वो जल्द से जल्द आकर नामांकन करवाएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। प्रबंधन सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी रांची, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9431277155।